हेलो फ्रेंड्स, गांव की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो हमने आज बनाए हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता। जो हमने बनाया है गेहूं के आटे और आलू से, तो देख सकते हैं कितने टेस्टी ये नाश्ता बना हुआ है। तो आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो हमने ये पकौड़े बनाए हैं गेहूं के आटे और आलू से, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए हमें ले लेना है गेहूं का आटा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम गेहूं का आटा ले लेंगे। और गेहूं का आटा ले लेने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं हम अजवाइन। तो हमें अजवाइन को क्रश करके डाल देना है। और इसके बाद हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और इन्हें मिक्स कर देते हैं। तो इनको मिक्स कर देंगे और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो थोड़ा तेल इसमें डाल देते हैं और तेल को हाथों से बेसन में अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि तेल जो हमारा है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखते हैं, तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो इसका रोटी के लिए आटा हम लगाते हैं, उसी प्रकार हमें आटा गूंथना है। तो हमें ज़्यादा ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह आटा लगाकर रेडी कर लिया है। तो हमारा जो आटा है वो लगकर रेडी है। तो इस तरह ही हमें आटे को लगाना है। तो देखते हैं, ये आटा हमारा अच्छे से लगकर रेडी हो चुका है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल हमें मुलायम आटा मारना है, आटे को लगाना है। तो ये आटा हमारा लगकर रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं, ठीक है, ढककर रख देते हैं। और इसके बाद हम ले लेंगे आलू। तो हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरह हमें मैश कर देना है। और इसके बाद में हमने एक प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च ली है, इनको भी हमें आलू में मिक्स कर देना है। आलू में अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। और इनको मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से धनिया पाउडर और जो मसाले डालने हैं डाल सकते हैं। और इसके बाद टेस्ट के अनुसार नमक, और इनको कर देते हैं हम मिक्स। तो आपस में सभी को मिक्स कर देते हैं। सभी मसालों को हमें आलू में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। तो बेसन की जगह आप मैदे का या सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर बेसन का यूज किया है और हमें थोड़ा ही बेसन डालना है। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद देखिए, हमारा आटा इतना मुलायम हो चुका है, हमारा आटा रेडी है। और इसके बाद इनकी लोई बना लेंगे। तो हमें सभी लोई बना ली है और आलू की भी हमने इस तरह टिक्की बना ली है गोल गोल। तो आलू के भी इसी तरह हमें बना लेने हैं। अब जितने भी बड़े बनाए या छोटे बनाए, तो इस तरह बना लेने के बाद अब एक लोई ले लेते हैं आटे की। आटे की एक लोई को हमें पूड़ी के तरीके से बेल लेना है। तो जितनी बड़ी पूड़ी बेलते हैं उसे इतनी ही बेलना है। तो देखते हैं, इस तरह हमने बेल लिया है। तो हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है।
इस तरह हमें बेल लेना है। और सभी बेल का रेडी कर लिया है, तो अब हमें इस तरह इनको चार किनारे के साइज कट करेंगे। तो हमें इसी तरह से इनको कट करना है। इस तरह कट कर लेने के बाद और जो हमने तो हमें सारे इसी तरह कट करने हैं, सभी को इस तरह हमें कट कर रेडी कर लेना है। तो जितने हमारी पूड़ी हैं सबको काट कर रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि किनारे किनारे हमने काट दिया है। और अब एक एक आलू की टिक्की ले लेंगे और इनके ऊपर रख देते हैं। और इनके ऊपर रख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, किनारे हल्का सा हमें पानी लगा देना है। तो हल्का हल्का पानी लगा कर हमें इनको बंद कर देना है। तो देखते हैं इस तरह से हमें इनको कुछ बंद करना है। तो एक एक तरफ से भाग लेंगे और इनको इस तरह कुछ बंद करना है। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए ये बनकर हमारे अच्छे से रेडी है। तो इसी तरह से हमें सभी बनाकर रेडी करना है। ये बनकर रेडी हो चुके हैं, तो बाकी के सभी भी हमें इसी तरह से बनाने हैं। तो बाकी के सभी हमें इसी तरह बना लेने हैं। तो इनके किनारे भी पानी लगा देते हैं हल्का सा, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो सभी हमें इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो देखते हैं, हमने अब इनको भी हमें बंद कर देना है इस तरह। कुछ इस तरह से हमें बंद कर देना है और बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारे सभी पकौड़े बनकर रेडी हैं। तो इसी तरह से हमें सभी बंद करने हैं और बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसी प्रकार से सभी बनाकर रेडी किए हुए हैं। तो ये बनकर भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये पकौड़े हमारे इस तरह से बनकर रेडी हैं। तो देखते हैं, हमने ये सारे बना लिए हैं। तो जितने भी हैं हमारे, हम सभी को इसी तरह से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो किनारे हमें हल्का सा पानी लगा देना है और इसके बाद इनको हमें एक एक करके एक तरफ से इन्हें बंद करना है। तो कुछ इस तरह से हमें बंद कर देना है। तो हमारे सभी पकौड़े पर जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें बनाकर रेडी किए हैं। तो देखते हैं कितने टेस्टी हमारे सभी पकौड़े बनकर रेडी हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो सारे पकौड़े पहले बनकर रेडी कर लेंगे बनाकर, और इसके बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम एक लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देंगे। और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब ये पकौड़े एक एक करके हमें सारे डाल देने हैं। तो इस तरह से हमें सभी रख देने हैं तेल में।
तो हमें सारे पकौड़े तेल में डाल देने हैं और इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो सभी को हमें डाल दिया है और इनको अब हम कुछ देर तक फ्राई करते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अब इनको पलट कर देख लेते हैं, तो देखते हैं कितने अच्छे से ये इस तरफ के पक चुके हैं। और उलट पलट कर हमें दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से पकाना है, फ्राई करना है। तो देखते हैं ये इस तरफ के पक चुके हैं, तो इन्हें पलट कर हमें इस तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरफ के पक चुके हैं और उस तरफ भी पका लेंगे। तो अब ये हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम निकालेंगे, देखते हैं कितना प्यारा कलर आया हुआ है। और इनको अब हमें निकाल लेना है। तो सभी पकौड़े इसी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे सारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, तो देखते हैं सारे पकौड़े हमारे बनकर रेडी हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह इन पकौड़ों को बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो देखते हैं और भी हमारे कुरकुरे और टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी हैं। तो आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, तो इस तरह बनाकर ट्राई करना। और तो आज की रेसिपी अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।